आधा चल गए, आधा भी और है। ऊपर से बारिश और हो गई। एक जगह वहाँ पे है जहाँ पे धूप ही नहीं पड़ती, वो भी दिखाएंगे। हाय करो। हाय। आज का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तुलका, वो आने वाला है। और ये हमारी धन्नो है, छोटी सी प्यारी सी। यही हमें घुमाती है, यही हमें लेके जाती है दूर दूर, पास पास, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ। और अभी जो गाड़ी देख रहे हो आप, ये हमारी गाड़ी नहीं है। यार आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत तेज, बहुत तेज है यार। आज हमें बहुत दूर जाना, दूर जाना है। तो भाई देखो, अब यहाँ से हम सीधे, ये हमारी धन्नो है। इसी ने घुमाया भैया, पूरे ब्लॉग जो आप देख रहे हो ना, यही है बस। हम सफर रही है हमारी। तो चलिए पहन लेते हैं, ताकि टैनिंग ना हो, काले पीले ना हो जाए, मल्टी कलर हो जाते हैं वरना हाथ पे, हाथ पे। चलो यार फिर जी, गाड़ी तो हमें ही चलानी है। हाँ जी, सो गाइस, कहाँ आ गए हम? हम आए हैं कर्णाताल। और आज आप ऋषिकेश का मौसम देखो और यहाँ देखो। हम आए भले ही कर्णाताल है, लेकिन जा तो हम खैर उससे आगे रहे, डेस्टिनेशन तो अभी हमारी आगे है यहाँ से 10 किलोमीटर। लेकिन आप बट ये मौसम देखो यार, ठंडा बैगर कुछ देखो आप भाई। यार बोला भी नहीं जा रहा, अब बैग ठंड से है। यार अभी हमने खाना खाया ना, तो हमने वहाँ पूछा उनसे, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट बर्फ गिरती है भैया, 3-3, 4-4 फीट। कह रहे रोड ब्लॉक हो जाती है पूरी है। अब देखो कितनी, तो यार अब देखो ना, अगस्त का महीना है यार, ठंड है, मौसम देखो आप इधर। और वही बात है, जब गर्मियों में इतनी ठंडी है तो भैया सर्दियों में तो क्या होता होगा, बोलिए। लोगों ने जैकेट और हाँ यार स्वेटर डाल रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस, मंजिल से 1 किलोमीटर दूरी पे हैं हम। और ये देखो पे यार, इधर तो ज्यादा है रे, इधर तो धूप ज्यादा है भाई। क्या देखो यार, भाई साहब क्या मौसम हो रहा है यार, क्या कहना चाहोगे पंकज? लग रहा आपको लो भाई पहुंच जाओ डेस्टिनेशन में। यहाँ लग गया, यहाँ जाम यही होता है भैया। राजमा चावल खाएगा और फंस गए यार, फंस गए। 85 किलोमीटर तो चल रही हम, क्या करें यार, 500 मीटर जब रहेगा तब तक फंस गए, फंस गए जी, फंस गए, बुरे फंस गए। इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद, मेहनत मशक्कत ट्रैफिक में फंसने के बाद, गर्मी सर्दी सब झेलने के बाद, फाइनली पहुंच चुके हैं सुरकंडा माता जी के मंदिर। अब यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है भैया। अब प्रॉब्लम हमारे साथ सिर्फ ये है कि हम खाली दिखाएंगे, दर्शन दुर्शन कुछ नहीं कर सकते। हाँ। हम क्योंकि वो सब वो हमें बता रहा गया इससे मना है, वो पहले से पहले व्लॉग में ऐसे बोला है हमने, जब हम इठारना गए थे 6 महीने के लिए हमारा बंद है। फिर भी हम बता देते हैं जो लोग नए जुड़े हैं, तो 2-3 महीने पहले दादी जी एक्सपायर हुई थी हमारी, तो पंडित जी ने मना कर रखा है 6 महीने तक हम मंदिर में एंट्री नहीं ले सकते, प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ा सकते और ये सब। तुझे हिमालय दिखा रहे हैं मुझे यहाँ से। अरे यार क्या बोलूँ, बस वो भी ट्रेजिडी हो गई है मौसम ने, आधा चल गए, आधा भी और है। बहुत बुरी हालत में हम अब रह गया, देखो बहुत बुरी हालत में भैया। कितना होगा यहाँ से? 200। हाँ 200 मीटर, 200 मीटर भैया। लेकिन हालत खराब हो गई, खड़ी चढ़ाई, खड़ी राजमा खाएगा और राजमा चावल, सब हजम हो गए यार। ओहो सब हजम हो चुके हैं, ठीक है अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। वैसे भी देखो हमें दर्शन तो करने हैं नहीं, खाली शूट करने जा रहे हैं हम, लेकिन इतनी दूर आए हैं तो पहुँचेंगे, ऊपर पहुँचेंगे, शूट करेंगे और तब 4 बजे करीब यहाँ से निकल लेंगे। भाई बच चुके हैं, भाई तो यहीं बच गए, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा हम ट्रैफिक में ही रहेंगे, ट्रैफिक में ही रहेगा, वरना अब तक हम ऊपर होते मंदिर पे हो जाते अब तक। तो चलो
तो जो 200 मीटर रहेगा उसको कवर करते हैं, सीधे ऊपर मिलेंगे। और आज यार व्यू दिखाते हैं यार, धुंध देख रहे हो यार, मौसम देख रहे हो, कुछ नहीं दिखेगा ही नहीं यार, कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो बस हम ही नजर आ रहे हैं आपको, तो हम ही देखो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। और हम देखो पहुंच तो चुके हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हो, ये पूरा सुरकन्ना माता जी का मंदिर है। और ये जिस जगह पे हम चल रहे हैं ना, अरे बोला जाता है कि यहाँ पे धूप पड़ती नहीं है, बहुत ठंडा रहता है, आप महसूस भी कर लेगा अगर खड़े रहेगा ना थोड़ी देर। और आजकल तो यहाँ पे ठंड है ही है ही, शूट करना था लेकिन कुछ दिख ही नहीं ना, तो क्या शूट करेंगे भैया, ऊपर से बारिश और हो गई, ये मेरे को लगा रुकती भी नहीं है। तो देखिए आपने देखा ऊपर किस तरीके का मौसम था, शूट करने की स्थिति बिल्कुल नहीं थी, हर तरफ धुंध। और हमने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था कि हिमालय दिखाएंगे, नज़ारे दिखाएंगे, कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो पाया। एक जगह वहाँ पे है जहाँ पे धूप ही नहीं पड़ती, वो भी दिखाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे, पर जितना हो सका हमने दिखाने की कोशिश की है। अभी कभी फिर आना हुआ तो फिर दिखाएंगे दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम कहानी सुनाते हैं आपको इस मंदिर की, कि सूर्यकंडा मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। के पीछे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि आदि काल में दक्ष प्रजापति एक महाराज हुआ करते थे जो सती जी के पिताश्री थे, और सती जी के पति थे शिवशंकर भगवान जी। तो हुआ ये तो कि एक यज्ञ रखा गया जिसमें दक्ष प्रजापति जी ने शिव जी को इन्विटेशन नहीं दिया। सती जी चाहती थी कि वो आए, वो उनको इन्विटेशन दें, लेकिन वो नहीं, मतलब नहीं चाहते थे। तो उन्होंने फिर इस अपमान की वजह से सती ने उनको जो है हवन में अपना मतलब दहन कर दिया था अपना शरीर पूरा, सती जी ने। तो लेकिन फिर शिव शंकर जी को क्रोध आया, गुस्सा आया। तो जब वो उनका मृतक शरीर जब वो कैलाश ले जा रहे थे ना वापस, तो उस टाइम पे जो सर है ना उनका सती जी का, वो यहाँ गिरा था सूर्यकंडा में, तो इसीलिए उसका नाम है सूर्यकंडा, मतलब सर से रिलेटेड सूर्यकंडा मंदिर। ठीक है, तो ये कहानी थी। और मेला मेला भी लगता है, मेला लगता है यहाँ गंगा दशहरे के टाइम पे, यहाँ पे मेला भी लगता है। यहाँ से जो दृश्य दिखते हैं वो क्या क्या बताए थे, देहरादून दिखता है, ऋषिकेश, चंबा, अरे बहुत जगह दिखती है यहाँ से, लेकिन आज कुछ नहीं दिखेगा यार, आज सिर्फ हम दिखेंगे आप भीग गए यार, कुछ नहीं दिखेगा, बारिश हो रही है भैया, देखो कंटिन्यू बारिश। लेकिन अब हम निकलते हैं घर के लिए, मैं घुटने भी बोल रहा था, घुटने दर्द हो गए यार, अब ऐसी तैसी हो गई, सही बात। चलो यार अब 4 बज गए, ठीक है अब चलते हैं। और आपको और कहानी पढ़नी हो ना तो शॉर्ट में लगा देंगे हम, अभी देख लेना। हाँ जी, तो स्टोरी क्या रही है तुला आज, बता जा रहा था। अरे यार भैया ऐसा लग रहा है होगी तबीयत खराब, बारिश शुरू हो चुकी है और अभी हम आगरा खाल भी नहीं पहुंचे यार, घर से भी फोन आने लग गया, 60 किलोमीटर दूर हैं अभी हम, क्योंकि वहाँ भी बारिश हो रही है, पूरे भीग चुके हैं, ठंड इतनी तगड़ी लग रही है ना, ये देखो चूल्हे के आगे बैठे हुए हम, धुआं भी देख रहे होंगे आप चूल्हे के आगे, 5:30 बजने वाले, तो टाइम भी बहुत हो गया है। और ये बारिश यहाँ मुझे तो लगता नहीं कि अब रुकेगी, तो हमें निकलना पड़ेगा ऐसे ही। इस ब्लॉग को भी एंड कर रहे हैं अब, यहाँ मत डाल, अबे आग में डाल ना, क्यों आग में, ये पन्नी नहीं डालनी चाहिए, क्या होता है वो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता पन्नी, बिना पन्नी के जलाई हुई आग, प्लास्टिक को कभी जलाना नहीं चाहिए ना, तो ये आपके लिए भी समझ है, प्लास्टिक को कभी जलाए ना ऐसे, जेब में डालने डस्टबिन बच्चे में डाल के किसी डस्टबिन में डाल देना, ठीक है। तो कर रहे हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब हमारी बस की तो नहीं है भाई इसको कंटिन्यू करना, कहाँ है बीच में बारिश हो रही है, अब ऋषिकेश में भी बारिश हो रही है हमने सुनने में आया अभी, तो ये धुआं आ रहा है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एक चीज और बस